नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं सिकंदरा, जो कि आगरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। यहीं पे जो शाहजहां थे उनका टॉम्ब है, यानी कि मकबरा, उसी को हम देखने आए हैं आज के वीडियो में। और आप सभी को बता दें, एंट्री गेट मेरे पीछे सामने देख सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को ये गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही होंगी। वो जीटी रोड है, यानी कि नेशनल हाईवे। और यहाँ से जब यहाँ आप सभी आएंगे स्कैनर के पास, तो यहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। अगर आप सभी इंडियंस हैं, यानी लोकल हैं, तो आप सभी को 25 से 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप विदेशी हैं, यानी कि फॉरेनर हैं, तो आप सभी को लगभग 350 के आसपास पे करने पड़ जाएंगे। हमने टिकट ले लिया है यहाँ पर, उस पर टोटल खर्च आई है 30 रुपए। और यही टिकट लेकर हम चलेंगे आगे, चेकिंग होगी, उसके बाद हम दिखाएंगे टॉम। तो लास्ट वीडियो में बन रहे हैं, चलिए चलते हैं, पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। तो गाइस, आप सभी सामने देख सकते हैं, यहाँ पे चेकिंग के दौरान सब कुछ चेक किया जाता है कि खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज़ या फिर फालतू चीज़ें मकबरे के अंदर ना प्रवेश करें। तो चेकिंग के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं पूरा नज़ारा फ्रेंड्स। तो चेक इन के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अकबर का मकबरा और कांच महल, ये दो चीज़ें हैं जो कि 25 रुपए में दिखाई जा रही हैं। यहाँ अकबर और शाहजहाँ से संबंधित कई ऐसे चीज़ें हैं जो फिर दिखाई जाती हैं, अकबर टॉम्ब एंड कांच महल। तो आइए चलते हैं अकबर के मकबरा की तरफ। तो फाइनली ये एरिया फ्रेंड्स ले चलेगा टॉम्ब की तरफ, यानी कि अकबर के मकबरा की तरफ। आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं पूरा नज़ारा। जब आप सभी अकबर के मकबरे के तरफ जाएंगे, तो आप सभी को ये खूबसूरत पार्क नज़र आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहीं पे पार्किंग बगल में बनाया गया है फ्रेंड्स, यहीं पे टिकट काउंटर भी देखने को मिलेगा। बैठने के लिए पत्थर की कुछ यहाँ पे ब्रेंचेस बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आप सभी को। ऐसे ही दो चार रास्ते में रखे गए हैं, और यहीं से नज़र आ रहा है टॉम्ब, यानी कि मकबरा। आइए चलते हैं मकबरे के पास, पुराना नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। तो फाइनली 25 रुपये हमने सूल करने आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत मकबरा, जो कि अकबर के टॉम्ब के नाम से जाना जाता है, यानी मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, पूरी तैयारी है मेरी, और अंदर चलते हैं आप सभी को पुराना नज़ारा दिखाते हैं। उससे पहले आप सभी बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो अगल बगल आपको ढेर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यानी पार्क और बाग बगीचे, ये आसपास के एरिया हैं, यानी फ्रंट पे। यहाँ फ्रंट पहुँचने से पहले आप सभी को ये चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा दे रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं पूरा नज़ारा। यहाँ पे पार्क है, और भी बैठने की कई चीज़ें हैं, कई जगहें हैं। और यहीं सामने जो फ्रंट लाइन गेट है, ये सामने है, लेकिन यहाँ से एंटर नहीं है, क्योंकि टिकट लेने के बाद से ही यहाँ पे एंटर होता है। और सामने नेशनल हाईवे दिखाई दे रहा होगा, आइए चलते हैं मकबरे। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर मकबरे को चमकाने के लिए कुछ बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, लगभग 6-7 लाइटें, जो कि ये देख सकते हैं सामने, ये फोकस जब मारता है तो रात में जगमग। तो फ्रेंड्स, दूर से देखने में इमारत काफ़ी खूबसूरत लगता है, और पास आने के बाद अनबिलीवेबल लगता है, यानी बिलीव नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ का नज़ारा है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो चलेंगे इस मकबरे के अंदर, आइए चलते हैं। तो फाइनली मेरे पीछे फ्रेंड्स टॉम आ चुका है, यानी मकबरा आ चुका है। अब हम धीरे धीरे एंटर करेंगे अंदर, और आप सभी को पूरा नज़ारा दिखाएँगे। यानी पहले एक ये दरवाज़ा पड़ता है, उसके बाद से ही एक और दरवाज़ा पड़ लेंगे। आइए चलते हैं, ये पीछे वाला छोड़कर अंदर। तो ये ऊपर का नज़ारा है, और ये है नीचे का। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पे पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे ये पूरा नज़ारा ऊपर का। ये जो गुंबद ऊपर निकला हुआ है, उसका नज़ारा है ये सब, कैसा देखने में लग रहा है फ्रेंड्स। ये सब यहाँ पे दरवाजे हैं,
जो ऊपर जाने के लिए बने हुए हैं। अब हम चलेंगे इस साइड और यहाँ से मेन जो नज़ारा है तो यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही हैं कि क्या लिखा है। तो बिल्कुल ताजमहल जैसा इसे बनाया गया है, यानी उतनी ही दूरी यहाँ पे दर्शाई गई है फ्रेंड्स। जैसे आप ताजमहल के पास जाएंगे तो वैसे ही ये मकबरे की दूरी लगभग बनाई गई है, वैसा ही ग्राउंड रखा गया है, वैसे ही कई चीज़ें हैं जो आप सभी को देख सकते हैं, नज़र आ रही होंगे फ्रेंड्स। काफ़ी दूर है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस बनाया गया है और ये चारों तरफ का नज़ारा। और ये जिस दरवाजे से हमने एंटर किया है वो दरवाज़ा ये है, और अरबी और कई भाषाओं में यहाँ पे लिखी हुई है, उर्दू में, अरबी में और फारसी में कई चीज़ें लिखी गई हैं टॉम्ब पर। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको ताजमहल पर भी देखने को मिलेगा, सेम टू सेम लगभग ऐसे ही चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें चेंजेज नहीं तो लगभग इसी तरह हैं। बैनर दिया गया है वहाँ पे पानी भरा होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और वो ब्लू कलर में है, आप सभी को ये सादे कलर में दिखाई दे रहा होगा। आइए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स एक यहाँ पे काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। आप टॉम्ब के अंदर 12 सिंघा है और हिरन, और जिसे काला हिरन के नाम से जाना जाता है वो भी आपको दिखाई देगा अगर ध्यान से गौर से आप देखें, चीतल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 10-12 दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को, जो और झाड़ियों में जा चुके हैं और कुछ यहाँ पे बचे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का। उसके बाद हम टॉम्ब के पास आ चुके हैं, लगभग ये बीच की दूरी तय करके यहाँ पे एंटर द्वार है और उसके बाद यहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता। आइए चलते हैं अंदर तरफ। तो फ्रेंड्स हम बीच की दूरी तय करके इसके पास आ चुके हैं, अब इसके अंदर एंटर करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जूते निकाल कर ही अंदर एंटर करने हैं, क्योंकि यह मस्जिद की तरह है, बड़ा है तो होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जूते निकाल के अंदर एंटर करेंगे। आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, और यहाँ पे अंदर चलेंगे, इधर भी घूमने चलेंगे और इधर भी घूमने चलेंगे। आइए पहले बीच में चलते हैं, यहाँ पर अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आप सभी को। लास्ट वीडियो में बने रहे दोस्तों, ऐसे ही साथ देते रहें और प्लीज़ अपने छोटे भाई की हेल्प लगातार करते रहें, क्योंकि मैं हर जगह का नज़ारा दिखाने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप सभी का साथ चाहिए। आइए चलते हैं। से पहले ये फाउंटेन हुआ करता था लेकिन अभी बंद है ये, चलते हैं नज़र अंदर। तो फ्रेंड्स पास आ गए और यहाँ अंदर चल रहे हैं हम लोग। स्मारक को ना खरोचिए धन्यवाद, यानी खरोचना वगैरह नहीं है, और काफ़ी शानदार यहाँ का नज़ारा है फ्रेंड्स। अंदर एंटर करते ही इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आप सभी को फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, उसके बाद यहाँ से एंट्री। यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, सीढ़ी क्रॉस करके रेलिंग पकड़ के अंदर चलेंगे। ये टॉम्ब के अंदर का नज़ारा है, और यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों।
जूते उतारने के बाद ये समाधि हमको देखने को मिली है जहाँ पे वीडियो बनाना भी मना है। और उसके बाद हम फिर से वापस चलेंगे और जूते पहनेंगे और दूसरी तरफ चलेंगे, दूसरी तरफ का रुख करेंगे। ये कटघरे से बाहर निकल रहे हैं, इसमें जाने के बाद कम अच्छा लगा है लेकिन सही था। तो यहाँ पे बाहर निकलेंगे, ये चलते हैं। फ्रेंड्स, इस खिड़की के अंदर से झांकने पे ये नज़र आएगा आप सभी को, ये समाधि। उनका ये नज़र आ रहा होगा अकबर का, ये चल रहा है। तो आइए चलते हैं बाहर, हमने देख लिया पूरा नज़ारा, आप सभी ने भी देख लिया है। तो मकबरे के अंदर कई ऐसी चीज़ें स्थित हैं जो आप सभी को देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरा मकबरा और ये है समाधि स्थल। तो यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स, स्थापित किए गए हैं, कब्रगाही है, कब्र बने हुए हैं और ये सब नज़ारा देख सकते हैं। कुछ दूरी पे वो स्पेस बनाया गया है वहाँ पे भी, उससे पहले ये सब देख सकते हैं कि यहाँ का कैसा नज़ारा है। चीज़ ऊपर की चीज़ें हैं, हम सभी आ चुके हैं टॉम्ब के अंदर। यहाँ पे कब्रगाह और समाधि और कब्र देखने को मिल रहे हैं। तो यही है प्यारा सा टॉम्ब यानी मकबरा। और यहाँ पे टूटी फूटी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिसे 30 रुपये ले गए हैं। अच्छी चीज़ें हैं, घूमने आ सकते हैं आप सभी, काफ़ी बेटर है। वहाँ कुछ दूरी पे देख सकते हैं ये चीज़ बनाई गई है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। उससे पहले इन सभी दरवाज़ों को क्रॉस करके बाहर हम चलेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही लगभग 7-8 बनाए गए हैं। तो मैं दिखा पा रहा हूँ, अंदर मैं गया था तो जो आवाज़ आप सभी स्पीक करेंगे बोलेंगे वो सभी घुसती रहेंगी। और यहाँ पे देखिए कैसा नज़ारा है, तो ठीक ही लग रहा है फ्रेंड्स घूमने में। हर जगह पैसे की लेन देन हो रही है। आइए बैकग्राउंड में दिखाते हैं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, टॉम्ब के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्या क्या नज़र आ रहा होगा मेरे वीडियो में। तो यही सब है स्पेस, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं टॉम्ब के अंदर जो हमें घूमने के लिए बाहर से प्रेरित करती हैं, लेकिन अंदर आने के बाद कुछ सोचना पड़ जाता है क्या एक्चुअली में है क्या इसमें। ये सिकंदरा में पड़ता है फ्रेंड्स, इसे अकबर ने बनाया था, अकबर शाहजहाँ के शायद पुत्र थे। इतिहास के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसकी वजह से मैं फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बता सकता आप सभी को। तो कई से चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लोज की गई है, बंद हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में ये सब चीज़ें जो वो आप सभी को देखने को मिल रही होंगी, देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो टॉम्ब के चारों तरफ ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसी। तो फ्रेंड्स, टॉम्ब का साइड से नज़ारा आप सभी देख सकते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये टॉम्ब है, अकबर का टॉम्ब मकबरा। इसमें केवल और केवल आप सभी को उनके स्मारक दिखाई देंगे, समाधि दिखाई देगी, कब्रगाह दिखाई देंगे, कब्र दिखाई देंगे, देख सकते हैं। इसमें लगभग 3 से 4 कब्र बनाए गए हैं।
आइए चलते हैं इस तरफ, काफ़ी दूरी है इसकी वजह से वीडियो स्किप करेंगे और वहाँ चल के आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे। तो बने लास्ट तक वीडियो में, चलते चलते हैं। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं मकबरे के दूसरे साइड और ये शानदार नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे अंदर चलेंगे, ये चलते हैं और दिखाते हैं पूरा नज़ारा, रास्ते वीडियो बना रहे, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है इधर घूमने के, बस यही चीज़ें हैं जो आप सभी देख सकते हैं। टॉम्ब का नज़ारा, यहाँ से मकबरा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही दो लोगों को बनाया गया। फ्रेंड्स हमने अकबर का मकबरा तो देख लिया, अब कांच महल की तरफ चल रहे हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद लोधी महल दिखाएंगे। तो लास्ट वीडियो में बन रहे चलते हैं, ये रास्ता है कांच महल जाने के लिए और यहाँ से चलते हैं, दिखाते हैं पूरा नज़ारा। तो फ्रेंड्स हम कांच महल के अंदर आ चुके हैं, ये है कांच महल, कांच एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने सोचा कांच होंगे लेकिन नाम का ही बस कांच है ना इसके अंदर, यही है कांच महल। फ्रेंड्स उसके बाद लोधी का मकबरा सामने दिखाई दे रहा है, चलते हैं उधर भी। तो फ्रेंड्स लोधी के मकबरे के पास आ गए हैं, इसे तो कोई देखना भी नहीं चाह रहा है, कोई सूंघ भी नहीं रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक चिड़िया भी नहीं है, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है जितना वो बाकी दोनों था। ये अंडरग्राउंड यहाँ पे जगह बनाई गई है, उसके बाद ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं कैसी हैं, टूटी फूटी सी। और ये है लोधी का मकबरा, कांच में महल, कांच महल नाम का था, कांच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है लोधी, ये है लोधी का मकबरा फ्रेंड्स, में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एकदम से, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, बस यही सब है, टूटी फूटी दीवारें, टूटे फूटे चीज यहाँ पे हैं। इसको देखने कोई नहीं आ रहा है क्योंकि दूर से ही बेकार लग रहा है फ्रेंड्स, इतना अच्छा नहीं है, इसकी सुंदरता जा चुकी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। टूट से गए हैं, निर्माण कार्य यहाँ नहीं हो रहे हैं शायद, वो सामने महल था जो कि अब समाप्त हो चुका है वो भी लगभग, तो कुछ भी नहीं है यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ सब फ्रेंड्स कीप सपोर्ट।